तो अभी जैसे कि M5 का आपको मैंने बहुत पहले शेयर किया था, इसका फ्रेम और ग्लास मंगाया था, और लास्ट वीडियो मैंने शेयर किया था कि इसकी जो फ्रेम है काफ़ी सड़ गई है, ठीक है। तो M5 की ओरिजिनल तो नहीं मिलेगी, मतलब जैसे कि उसमें आप थार DI की सेट करो या थार CRD की। तो मैंने ऐसा सोचा कि अगर थार DI की सेट करनी है उससे थार CRD कर ले, अगर रूफ में कभी शॉप टॉप में जो क्रॉस बार आता है वो डालना हो वो, या फिर कभी नया डैशबोर्ड लगाना है तो ज़्यादा काटपीट नहीं करनी पड़ेगी डैशबोर्ड के साथ। और लीकेज का प्रॉब्लम था विंडशील्ड का, वो भी वीडियो शेयर किया था। तो सोचा कि फ्रेम भी पूरी और ग्लास सब कुछ बदल, मैंने सारा सामान मंगा लिया था। अभी एक चीज़ मिसिंग है, इसकी वजह से वीडियो लेट हो रहा है, जो नीचे रबड़ लगती है वो अभी मिल नहीं रही है, ठीक है। तो जैसे कि कई एक मेरे सब्सक्राइबर ने ऑर्डर किया था फुट रेस्ट, वो अभी आ नहीं रहा उनका। तो जैसे कि ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करना, क्या क्या प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन, मतलब करते हैं अपने उसको क्या बोलते हैं ऑर्डर पार्ट्स में, तो बोलोगे तो एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसमें अपने दो तीन साइट को ले लेंगे अंदर। तो यही सेम चीज़ अभी मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, तो रबड़ मिल नहीं रही है। एक बार ऑर्डर किया था, ऑर्डर कैंसिल हो गया अपने आप, तभी वेट कर रहा हूँ, स्टॉक में आएगा तो करेंगे। तो इसलिए फ्रेम का काम अभी लगभग 1 साल से अटका हुआ है, और रबड़ मिल नहीं रही जो बीच में लगती है। एक बार मैंने थार का खोल के उसके ऊपर वो सिलिकॉन लगाया था, तो रबड़ इसलिए नहीं खोला, अगर फट जाएगी तो पुरानी फ्रेम तो निकालनी पड़ेगी, ये लगा नहीं पाएंगे, और इसको ऐसे लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा पानी आएगा अंदर। ये प्रॉब्लम है, लोकल मार्केट में पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। इसको फिलहाल अभी अपने कलर कर रहे हैं, इसके बाद ग्लास फिट करेंगे, फिर अगर रबड़ मिल जाएगी तो वीडियो जल्दी आ जाएगा, नहीं तो वीडियो भी लेट जाएगा, ठीक है। तब इसको मैं कलर करूंगा, इस वीडियो में चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो बने रहे वीडियो में, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करो, आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। M5 वीडियो कोशिश करूंगा जैसे गाड़ी मेरे हाथ में आ जाए, दूर है थोड़ी, आ जाएगी तो मैं थोड़े जो वीडियो हैं उसके वो मैं पूरे कर दूंगा जल्द से जल्द। पहले अब देख लो, ये रही फ्रेम, तो आपको ऐसा लगेगा रॉकी बीज कलर है, लेकिन रॉकी बीज नहीं है ये, कोई भी आप पार्ट्स लोगे ना कंपनी का यही कलर आता है, कलर करवाया जाता है बाद में। तो अपने पास रॉकी बीज का मैंने गाड़ी कलर किया था, और थोड़ा देर रुकने का भी ये भी था कि जो क्वालिटी है ये अच्छी है कि नहीं है। तो ये रॉकी बीज वाला मैंने इस्तेमाल किया अपने थार पे, अच्छा क्लियरिटी आई, बस थोड़ा जैसे कि मैंने एक क्लियर वाला इस्तेमाल कर लिया था, क्लियर, तो अभी मेट टाइप का क्लियर मंगाया हूँ। ये कहाँ गया यार, ये हाँ मेट टाइप का क्लियर, प्रोडक्ट अच्छी लगी, आप भी कर सकते हो, इनकी वेबसाइट से मंगा लो ज़्यादा अच्छा है, अमेजोन पर भी अभी अवेलेबल हो गया है। तो फ्रेम की बात कर लेते हैं, ये थार CRD का, अभी ये जो प्राइस बता रहा हूँ प्राइस काफ़ी पुराना है, ठीक है, 1 साल हो गया होगा, अगले अगस्त का आया सामान, ठीक है, तभी करने वाले इसको कलर। पहले ये स्टिकर निकाल लो, इसमें ऐसा है कि अपने वन बाई वन, जैसे आप इधर का फ्रेम कर रहे हो तो इधर का फ्रेम कर लो, फिर पीछे का करो, वन बाई वन करना पड़ेगा, और कोई सहारे के मतलब ऊपर इसको टिकाना पड़ेगा। तो ज़रा मैं ऐसा स्टिकर निकाल के और उसको साफ़ कर लो, मिट्टी लगी, देखो इसको साफ़ करके फिर कलर मारेंगे हम इसके ऊपर। तो ये देखो फ्रेम मैंने टिकाने की कोशिश की है, जैसे कि अपना पहले आगे का पैनल कर रहे हैं, क्योंकि पीछे का बाद में करेंगे, ये मतलब एक एक करके पैनल करना पड़ेगा। जैसे आपको जो कोटिंग मारनी, दो कोटिंग, तीन कोटिंग, अब आगे की पहले मार लो, आगे का सूख जाए फिर घुमा लो, फिर पीछे का होगा, ठीक है। तो जैसे आगे के कर रहे हैं वैसे ही पीछे का होगा। तो अभी मैट नहीं लेना है, ये कलर लेंगे, ये पुराना वाला जो मैंने गाड़ी बॉडी कलर की थी, ये रहा, रिजल्ट अच्छा है, इतना ख़राब नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्रेम उसे गाड़ी की पूरी क्लियर करवानी है, ठीक है। तो ये स्प्रे लेके अभी देख लेते हैं रिजल्ट कैसा है, ऐसे आपको घुमाते घुमाते मारना है, एक जगह नहीं मारना है, तभी रिजल्ट आपको दिखाता हूँ मैं। तो फिर अपने पुराने कलर में ये कलर में अंतर देखेंगे, ठीक है, ये रहा कलर जो मैंने मारा, और यहाँ नीचे भी भेजी, यहाँ कलर और दोनों मिल रहे हैं शायद, क्लियर हो, ठीक है, यहाँ कलर मारा, यहाँ तक ही नहीं मारा है, ठीक है। तो ये कलर तो आ जा रहा है फिनिश, ठीक है, एक थैली रह गई यार, छोटी मोटी चीज़ें रह जाती है। अब इसको मैं पूरा फ्रेम कलर मार देता हूँ एक कोट, तो ये मैंने फ्रेम मार दिए, कहीं थोड़ा मेरे ज़्यादा कलर हो गया, जैसे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो गया है, कम हुआ है। अभी ये कलर कर दिया, ये साइड मैंने कलर नहीं की है, ठीक है, ये ग्रीन जैसा ही है लेकिन ये है, ठीक है। अब इसके ऊपर से एक हाथ आपको मारना तो और मार दो, और उसके बाद क्लियर मार दो, कि एक फ्रेम अपनी हो जाएगी, तैसे कलर करना पूरी फ्रेम, हमें पूरी फ्रेम कलर कर डालता हूँ ऐसे ही। ये मैंने मार दिया दोनों हाथ, ठीक है, देखो अपनी फ्रेम में आग सड़न कहाँ से होती है, तो यहाँ साइड से होगी, इस पर मेरे थार में भी यहीं से शुरू हुई है, ये वाले पोर्शन से, और एक आपके टॉप वाले से होती है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा दबा के मार दो, थोड़ा बाहर दिखेगा तो क्या चलता है, ठीक है, थोड़ा दबा के मार दो, यहाँ से वो रख के, और ऊपर से मैंने मार दिया, यही दो जगह से फ्रेम सड़ना शुरू होती है। अब इसको भी मैंने ले लिया, जो अंदर जाता है रबड़ जहाँ लगती है, यही तो रबड़ नहीं गायब है, ये रबड़ जब मिलेगी तभी आगे का पोर्शन होगा, अभी ग्लास भी फिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने लगा दिया, दो हाथ मार दिए हैं, अभी क्लियर, थोड़ा 5-10 मिनट टाइम देंगे फिर इसको क्लियर मारेंगे इसके ऊपर। तो एक साइड की फ्रेम आपको करना, कलर दिखा दिया बस, उसके बाद हम अपनी पीछे वाली कलर कर लेंगे। तो अपने आप ले लेंगे फिर अपना ये क्लियर, ठीक है, सूख जाए उसके बाद उसको भी हिला लेना है,
और शुरू करना, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, आपको अंदाजे में मारना पड़ेगा, ठीक है। जिसे आप समझो यहाँ पे मार रहे हो, जैसे समझ लो आप लग गया, ठीक है, ऐसे, क्योंकि इसका कलर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है इसका, ठीक है, ये सूख जाने वाला है तुरंत, आपको ये फटाफट मार लेना है। तो मैं इसको मार लूँ पहले, ये मैट मार दिया है, कहीं थोड़ा कम ज़्यादा मेरे से भी हो गया है, डिफरेंस दिख रहा होगा, और आधा डिफरेंस दिखने का, यहाँ पर सूरज की किरण पड़ रही है इसलिए, ठीक है। तो जैसे आपको लगता है कि कहीं जो पार्ट ढक जाने वाला, तो आप ना मारो तो भी चलेगा, जैसे ये वाले पोर्शन पे वो ढक जाने वाला टॉप से, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है जहाँ जंग लग सकता है वहाँ मार दो ज़्यादा। ये फ्रेम अपनी हो गई कलर, अब इसको सूखने देते हैं। सूखने बाद इसको अपना उल्टा मार के, उल्टा करके मार देंगे नीचे से। तो नीचे का तो उतना खासा नहीं है, क्योंकि उसमें कई चीज़ें छिप जाने वाली हैं, नीचे के पोर्शन में दिखता क्या है, बस ये पूरा उधर वाला पट्टा डैशबोर्ड के नीचे चला जाएगा, बस इतना पट्टा आपको दिखेगा, ये वाला पट्टा जहाँ मेरी बिल्डिंग, ये वाला पट्टा बस, अभी कोई पट्टे दिखने वाले नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपके साथ मैंने कलर किया। अब अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्द ग्लास लगाने के लिए, 2-3 लोग चाहिए, टूट सकता है या फिर आपको किसी प्रोफेशनल के पास लगवाना पड़ेगा। तो जब ये रबड़ मिल जाएगा ना, तो लगाने जाऊँगा, तब ये प्रोफेशनल के पास, किसी ग्लास वाले के पास लगवा लेंगे, या मिलेगा मौका तो मैं खुद लगाऊंगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा, आप बने रहे मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।